हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल फॉर द बिजी वेबिनार प्रोग्राम आप सभी को स्वागत हूँ मैं मेरा नाम सूरज है सो so, मेरा वॉइस आप सभी को ऑडियेबल है करके मैं मानती हूँ सो so, आज का इस पर्टिकुलर वेबिनार सेशन ईवेबिल एंड ई इन एरर का रिगार्डिंग है काफ़ी सारे एरर्स हमने ई इन एंड ईवेबिल पे देखा होगा तो उन उस, उसमें से बहुत सारे एरर तो कॉमन एरर भी है उसको हम विदाउट टास्किंग एनीबडी और विदाउट कॉलिंग टू कस्टमर सपोर्ट खुद हम कैसे ट्रबल शूट कर पाएंगे सो तो इसके बारे में आज का सेशन रहेंगे सो तो एक हमारा एक स्मॉल एफर्ट है तो सारे बिजी कस्टमर्स के लिए हम ई वेबिल एंड ई के बारे में सेल्फ ट्रबल शूटिंग उनको एजुकेट करने के लिए हम ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं ठीक है सो हम पहले पीपीटी देख लेंगे पीपीटी में हम एरर का स्क्रीनशॉट देखेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको चेक कर पाए चेक करेंगे कि वो किस के लिए आता है मतलब क्या रीजन के लिए वो एरर शो होगा उसका रीजन हम जान लेंगे ताकि आपको ट्रबल शूट करने के लिए बहुत आसान होगा सबसे पहले तो ई इनवॉइसिंग का रिगार्डिंग हम इसके पहले दो वेबिनार कंडक्ट किया था तो काफी इंफॉर्मेशन उस पर हम आपके द्वारा हाँ, आपको हम शेयर भी किया था तो ई इनवॉइसिंग क्या होती है ई इनवॉइसिंग के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा उसका बेनिफिट क्या है इनवाइसिंग e कैसे कैंसिल करनी है वो सारा हमने पहले सेशन पे देख लिया था लेकिन फिर भी हम एक बार इसको इनवॉइसिंग e थोड़ा सा बेसिक हम एक्सप्लेन कर करेंगे कि इनवॉइसिंग e एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग e होती है इंडिया में कौन सा बिजनेस एंटिटी को एंटिटी का टर्नओवर मोर देन करोड़ है उनको तो e करना पड़ेगा उनको तो अप्लीकेबल होगा सेम एज इट इज बिल 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 है e bill हमारा ट्रांजैक्शन लिमिट मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू पचास हजार का ऊपर होती है ना तो ईवे e बिल हम करना पड़े, कर, करना पड़ेगा अगर ये ई वे बिल दिल्ली का बात करेगा तो स्टेट वाइज अलग होती है दिल्ली में तो एक लाख रुपया से ऊपर हमने ट्रांजेक्शन किया तो उस ई वे बिल लगती है ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके अलावा ई वे बिल सारा कस्टमर उस पे इंक्लूड रहेगा ट्रांजेक्शन बेसिस पे है लेकिन ई e इन्वाइसिंग होते हैं ना वो हमारा बी टू बी कस्टमर एक्सपोर्ट इनवाइसिस डेबिट नोट क्रेडिट नोट एक्सपोर्ट इन्वाइसिस एस सीजेड के लिए अप्लीकेबल होगा बी टू सी कस्टमर्स के लिए हम अगर बिल करेगा ना तो अप्लीकेबल नहीं होगा ये रहा स्मॉल बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इनवॉइसिंग और ईवे बिल के रिगार्डिंग और हम बिजी में ड्यूएल जीएसपी का रजिस्ट्रेशन दिया रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है उसको हम रजिस्ट्रेशन करके कॉन्फिगर कर लिया तो बिजी सॉफ्टवेयर अपने आप इनवॉइसिंग ईवे बिल जनरेट करेगा हम ना कोई पोर्टल को जाने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा कोई कैप्चर कोड एंट्री करने का जरूरत नहीं है ना कोई गूगल uh, ब्राउजर uh, में जाके उधर मैन्युअली कुछ टाइप ऐसा कुछ नहीं होगा सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली वो डायरेक्टली जनरेट होगा अभी हमारे पास इंडिया के अंदर 34 फोर है उनमें से दो जीएसपी के साथ हम टाइप है हम इसलिए टाइप है एक जीएसपी का सर्वर डाउन रहेगा तो दूसरे जीएसपी को वो तो हो जाएगा प्रीवियसली इट वाज़ ओनली ओनली जीएसपी थे हमारे पास तब बहुत सारे एरर्स सर्वर का रिगार्डिंग हम फेस करना पड़ता था धीरे धीरे हम एक जीएसपी से वजह से दो जीएसपी कर लिया अब हमारे पास दो जीएसपी है तो सर्वर का रिलेटेड मतलब वो सर्वर पे तो लोड ज्यादा नहीं मतलब लोड की रिलेटेड इश्यू हम फेस नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक सर्वर पे लोड है तो दूसरे सर्वर पे हमारा इन e वॉइस जनरेट हो जाएगा और सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि मतलब कौन सा सर्वर पे लोड ज्यादा है तो अपने आप वो सॉफ्टवेयर रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट कर लेंगे और हम कभी कभी एरर इसलिए हम इन में पेश करना पड़ेगा कि सब, स, 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 सब, सब तो बैकएंड का इशू रहेगा मतलब वो पोर्टल का जीएसपी का इश्यू अभी ड्यूअल जीएसपी आने के बाद उसका तो प्रॉब्लम सॉल्व uh, हो चुका है तो पहले इसके जैसे अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी हम कॉमन एरर तो इनवाइसिंग ईवे बिल पे देख रहा है तो इनवाइसिंग ईवे बिल का रिगार्डिंग कॉमन एरर्स क्या क्या होती है हम खुद सेल्फ ट्रबल शूट कैसे कर सकता है इसका रिगार्डिंग हम देख लेंगे आइए हम सेशन को शुरू करेंगे सबसे पहले आज का ये टॉपिक रहेंगे इनवॉइसिंग का रिलेटेड इसमें पहला टॉपिक है एरर दूसरा है सोल्यूशन एरर सोल्यूशन ये रहेंगे ठीक है सबसे पहले पहला एरर ये है कि invalid data invoice could not be generated reason the field product description must be a string with a minimum length 3 and maximum length 300 is tarike se aapko error milti hai wo jo aap invoicing karne ke time pe क्यों मिलती है तो हम अभी देख लेंगे सबसे पहले error आती है ना तो हम पढ़ना है उसको तो रीड करनी है तो उसमें क्या लिखा हुआ है आप देखिए उधर अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उधर बोल रहा है तो प्रोडक्ट नाम है ना डिस्क्रिप्शन मतलब नाम है तीन लेटर से कम है अगर थ्री हंड्रेड लेटर से ऊपर है तो आपको ये एरर आएगा तो आपको पता है बिजी सॉफ्टवेयर में थ्री हंड्रेड लेटर टाइप नहीं करना कर सकता है वो तो नहीं होगा लेकिन चांसेस ये है कि अगर आप प्रोडक्ट का नाम थ्री डिजिट्स मतलब थ्री कैरेक्टर से कम ले कम दे दिया तब आपको एरर मिलेगा ये पहला एरर है अब हम बिजी सॉफ्टवेयर में देख लेंगे वो कैसे एरर आती है उसका ट्रबल शूट कैसे करनी है आइए हम बिजी सॉफ्टवेयर में जाएंगे सबसे पहले आप सभी को पता है हाउ टू जनरेट इनवॉइसिंग है ना सो इनवाइसिंग जनरेट करने के लिए हम जीएसटी वैट में जाके ईवेबिल बिल वॉइसिंग एनेबल करनी है कॉन्फिगर करनी है जीएसपी कॉन्फिगरेशन करनी है इसका रिगार्डिंग हम पहले सेशन पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है अब हमारे पास वैलिडेशन का भी प्रोविजन है अगर आप गलत गलत यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया है डाल चुका है तो उसको आप इधर से ही वैलिडेट कर पाएंगे जीएसटी क्रेडेंशियल को ठीक है ए हो गया एनेबल का इसके बाद हम क्या करनी है ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी है अब देखिए मैं एक इनवॉइसिंग जनरेट कर रही हूं ये मेरा इनवॉइसिंग है प्रोडक्ट एंट्री किया क्वांटिटी एंट्री किया रेट उसके बाद इधर इनवाइसिंग चाहिए तो इनवाइसिंग एनेबल करनी है ई वे बिल चाहिए तो ई वे बिल एनेबल करनी है है ना तो ये तो जनरेशन का पार्ट है उसके बाद हम सॉफ्टवेयर में वाउचर को सेव करेंगे उसके बाद हम इनवाइसिंग और ई वे बिल को जनरेट करेंगे एक बार एरर को चेक करके फिलहाल कोई एरर नहीं है तो अभी इनवाइस जनरेट हो गई प्रिंट भी आ जाएगा ये हमारा नॉर्मल स्टेप्स है जनरेशन का अब हम आ जाएंगे टॉपिक पे अब ये एरर एरर आएगा आएगा इसलिए तो आपका प्रोडक्ट का नाम है ना वो आपने दो डिजिट दे के रखा है मान लीजिए ये आपका कस्टमर है ग्लोबल मार्केटिंग इनको आप बिल कर रही है ये प्रोडक्ट देखिए एस ए करके एक सैम्पल प्रोडक्ट मैंने क्रिएट करके रखी है इधर इसका नाम है एस ए ये देखिए ये है दो डिजिट का आइटम है अब मैं इसको लेके एक ई इनवाइसिंग क्रिएट करूंगा देखिए थाउजेंड क्वांटिटी हंड्रेड रुपीस है प्राइस अब इसका मैं ई इनवाइसिंग खुद जनरेट कर रही हूं देखिए सेव दिस वाउचर इसको हम आई सेव कर लेंगे इसके बाद डू यू वॉन्ट टू जनरेट इन वॉइसिंग इस तरीके से आती है तो आपको यस yes करनी है पॉसिबल एरर्स देखनी है देखिए इधर एक पॉसिबल एरर है वो एरर इसलिए है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन शुड बी मिनिमम थ्री कैरेक्टर्स अब हम व्यू एंड जनरेट करेंगे ना तो आपको इस तरीके से एरर मैसेज मिल जाएगा ठीक है अब हम हाँ स्क्रीन में देख लिया था ना वही एरर मैसेज आपको उधर दिख रहा है इज इट क्लियर क्यों आती है प्रोडक्ट का नाम मिनिमम तीन कैरेक्टर से कम है तो आपको आ जाएगा एरर आ जाएगा इस तरीके से ये तो क्लियर है सभी को ठीक है अब हम हाँ आगे बढ़ेंगे अगले एरर के बारे में पहले एरर का रीजन आप, आपको समझ पता हुआ है मतलब आपने समझ लिया आपने नोट भी कर सकती है कर सकता है नोट किया तो आने वाले समय पर आपको इस तरह के प्रॉब्लम आती है ना तो आपको काफी आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए ठीक है अगला एरर है इनवैलिड डेटा इन वॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन इन इनवैलिड इन वॉइस बिल फ्रॉम एड्रेस वन उस एरर में आपको ये समझ में आ रहा है एड्रेस पे गलत है एड्रेस वन करके आया तो एड्रेस में गलत है करके हम समझ लेंगे फ्रॉम एड्रेस उधर भी और भी आ रहा है फ्रॉम एड्रेस अगर वो टू एड्रेस है तो टू एड्रेस करके आता है ठीक है अब वो फ्रॉम एड्रेस पे गलत है ये एरर क्यों आती है हमारा कंपनी मास्टर पे हमने गलत एड्रेस टाइप किया है हमने एड्रेस टाइप नहीं किया है तो आपको एरर आती है एरर आता है मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आई ए सॉफ्टवेयर में चलेंगे ये हमारा कंपनी है ना इस पे एड्रेस हमने डाल के रखी है अब इसको हम इधर से रिमूव करेंगे ठीक है इसको हम इधर से रिमूव करेंगे पूरा रिमूव करेंगे फोर लाइन है ना सभी को हम इधर से रिमूव करके एक बार रीसेव करेंगे ठीक है इसके बाद मैं और एक एंट्री चढ़ा चढ़ाऊंगा सेल ओवचर एंट्री देखिए E invoice could not be generated. Reason: Invalid e invoice bill from address 1 तो आपको इस प्रॉब्लम का इस एरर का सोल्यूशन मिल गया नोट कीजिए तो इस एरर इसलिए आता है आपका कंपनी इंफॉर्मेशन पे गलत एड्रेस डाल दिया है गलत मींस ब्लैंक छोड़ा है तब आपको वो एरर मैसेज डिस्प्ले होगा इज इट क्लियर मैं दोबारा इसको एंट्री करूंगा एड्रेस टू मैं इसको सेव कर देंगे ठीक है ए एरर का रिगार्डिंग आपका आपके लिए आपको रीजन समझ में आ गया इज इट क्लियर ओके आगे बढ़ेंगे अगले एरर पे सो so, अगला एरर है नेक्स्ट एरर है इनवैलिड डेटा इन वॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन द फील्ड एड्रेस टू मस्ट बी ए स्ट्रिंग विथ ए मिनिमम लेंथ ऑफ थ्री एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंड्रेड सो ये भी हम समझ सकता है कि हमारा कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है कैरेक्टर लिमिट हमने कम डाला है और ज्यादा डाला है ये प्रॉब्लम हम समझ सकता है इस एरर मैसेज को हम पढ़ के है ना तो इधर क्या लिखा है द फील्ड एड्रेस फील्ड एड्रेस मतलब पार्टी का एड्रेस पे हम कुछ मिस्टेक किया है कंपनी का नहीं है ठीक है फ्रॉम एड्रेस मतलब कंपनी का होता है लेकिन ये तो कस्टमर का एड्रेस है आइए हम प्रैक्टिकली देखेंगे अब हम एक नया एंट्री पोस्ट करेंगे पार्टी का नाम है ग्लोबल मार्केटिंग ठीक है और हम दूसरे पार्टी का नाम ले लेंगे इधर ग्लोबल मार्केटिंग दिस वन ओके आइटम का नाम ले लिया अब इस पार्टी के मास्टर मैं मॉडिफाई करूंगा देखिए इधर है, है ना एड्रेस पे मैं दो कैरेक्टर एंट्री कर रहा हूं इंस्ट ऑफ बेंगलुरु आई एम टाइपिंग द वर्ड इंग बीई इज इट क्लियर अब इसको मैं सेव कर लिया इसके बाद मैं इनवाइसिंग जनरेट करेंगे तो आपको एरर मैसेज मिलेगा कि इन वॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन द फील्ड एड्रेस टू मस्ट बी ए स्ट्रिंग विथ ए मिनिमम कैरेक्टर मिनिमम लेंथ ऑफ थ्री एंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ हंड्रेड ये है आपका एरर मैसेज ठीक है क्यों आती है क्योंकि आपने एड्रेस पे है ना दो लाइन दो कैरेक्टर डाल के रखा है अब इसको मैं करेक्ट करने के लिए क्या करना है इसको करेक्ट करने के लिए आप इधर जानी है इधर बेंगलुरु करके पूरा नाम टाइप करना है मोर देन टू कैरेक्टर मोर देन थ्री कैरेक्टर्स सेव करना है बाद में आके जनरेट करना है ठीक है अब देखिए इसको मैं सेव कर लिया अब जनरेट हो गया ठीक है इसका रीजन आपको समझ में आ गया नोट कीजिए ये किस लिए आता है ठीक है अगले एरर के टॉपिक हम ले लेंगे नेक्स्ट एरर है ये एरर तो फिनिश हो गया नेक्स्ट एरर है ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन इनवैलिड इन वॉइस बिल टू एड्रेस वन सबसे पहले आपको मैंने दिखाया था इनवैलिड इन वॉइस बिल फ्रॉम एड्रेस करके है ना वो कंपनी मास्टर में गलत थे मिस्टेक थे अब अब आप, आपको मैं शो कर रहा कर रहा हूं बिल टू एड्रेस टू एड्रेस ठीक है वो इसलिए आता है आपने कस्टमर का एड्रेस ब्लैंक छोड़ा है अब आइए हम देख लेंगे ये आपका कस्टमर है ठीक है कस्टमर का एड्रेस है ना पूरा ब्लैंक है इस पर किसी किसी एंट्री हमने नहीं डाला है अब इसको हम इनवाइस करेंगे ना इनवाइसिंग करेंगे ना तब आपको वो एरर मिल जाएगा इज इट क्लियर देखिए एरर आया था ना तो वो एरर मैसेज आपको मिलेगा तब आपने पार्टी मास्टर पे एड्रेस ब्लैंक रखी है ठीक है बिल टू पार्टी एड्रेस वन कैन नॉट बी ब्लैंक देखिए इस तरीके से आपको एरर मिलेगा इसको आप करेक्ट करने के लिए पार्टी मास्टर में जाके एड्रेस को फिल करनी है अदरवाइज हमारे पास एक पावरफुल यूटिलिटी है वो है जीएसटीएन वैलिडेशन उस पर जीएसटीएन डाल के वैलिडेट कर लिया तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा तो आप ना कोई टाइप करनी है ना कोई एंट्री करनी है अपने आप सॉफ्टवेयर जीएसटी नंबर पकड़ के आपका वो कस्टमर का डेटा है ना पूरा उसपे सेव हो जाएगा इज इट क्लियर सो आपके आपको ये एरर क्लियर है मतलब आपको समझ में आया है करके मानती हूं अगले एरर पे हम जाएंगे वो एरर है इनस कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन जीएसटी नंबर इज इनवैलिड सो इमिडिएटली आपको पता चलेगा कि ये एरर जीएसटी नंबर का ही है जीएसटी नंबर का गलत है तब वो आपको ये एरर मिल जाएगा वो रीड किया तो आपको इजीली पता होता है ठीक है अब आइए हम सॉफ्टवेयर में एक बार प्रैक्टिकली देख लेंगे ठीक है अब हम आ, आ, आएंगे सॉफ्टवेयर में ये देखिए ये सॉफ्टवेयर में हम एक पार्टी का नाम लेती हूँ, ग्लोबल मार्केटिंग करके आइटम ले लेंगे क्वांटिटी दिस इज द एरर मैसेज ओके अब इस कंडीशन पे हम क्या करनी है सीधा सीधा पार्टी मास्टर में जाके उधर हमारा जीएसटी नंबर है ना उसको एक बार देखनी है गलत है तो करेक्ट करनी है ओके सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस एरर मैसेज एरर का सॉल्यूशन आपको मिल गया आइए हम नेक्स्ट एरर के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे वो अगला एरर है इनवैलिड डेटा इन वॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन इनवैलिड इन वॉइस बिल टू लोकेशन लोकेशन मतलब आपका माइंड में आ जाएगा तो गोडाउन और स्टेशन ऐसा करके आपको एक गैस हो जाएगा माइंड पे लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसा करनी है अब मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है आइए हम सॉफ्टवेयर में एक बार जाएंगे अब मैं एक नया एंट्री क्रिएट करती हूँ इनवाइसिंग e का इसपे है ना ये वाला लेती हूँ ग्लोबल मार्केटिंग डी करके कस्टमर ने नाम मैंने क्रिएट करके रखा है आइटम के नाम प्राइस ठीक है इस पार्टी पे अगर आपने स्टेशन का नाम नहीं डाला है ये देखिए ये स्टेशन का नाम है ना इसको मैं कट करूंगा मतलब रिमूव करूंगा तब वो एरर आएगा अगर आप स्टेशन का कोड नहीं डाला है तब वो एरर मैसेज आपको दिखाएगा इज इट क्लियर अब है अब हम एक बार देख लेंगे प्रैक्टिकली वे बिल नहीं चाहिए ई इनवाइसिंग चाहिए सबसे ज्यादा एरर तो ई इनवाइसिंग पे ही आता है ईवे बिल पे कम आती है वो भी हम देखेंगे जनरेटेड रीजन इन वैलिड ई नॉइस बिल्ड टू लोकेशन एर मैसेज आपको डिस्प्ले होता हो जाएगा uh. करेक्ट करने के लिए क्या करनी है सीधा हम पार्टी मास्टर पे जानी है उधर ऑल टाइम प्रेस करके मॉडिफाई में जाके स्टेशन स्पेसिफाई करनी है अगर आपको स्टेशन पता नहीं है तो क्या करना होगा वैलिडेट करना होगा वैलिडेट को प्रेस करनी है अपडेट करनी है तो अपने आप स्टेशन आ जाएगा उसके बाद हम सेव द मास्टर करना है आगे जाके हम जनरेट करना है ठीक है बहुत सिंपल है अब एरर क्लियर हुआ है अब एक बार जनरेट करके देखेंगे ये देखिए इन जनरेट हो गया आपको अभी समझ में आ गया ये एरर किस लिए आएगा इसको आप नोट करना है अगले बार आया तो आप ट्रबल शूट खुद करनी है ठीक है आइए हम अगले एरर देख लेंगे वो एरर है इन कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर बी टू सी ट्रांजेक्शन इस तरीके से आपको एरर डिस्प्ले होगा क्यों होगा तो आप सभी को पता है तो ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल ओनली फॉर बी टू बी ट्रांजेक्शन डेबिट नोट क्रेडिट नोट एस एड एक्सपोर्ट इनवाइस नॉट फॉर बी टू सी ट्रांजेक्शन है ना तो आप अगर आप कोशिश करेगा कि बी टू सी ट्रांजेक्शन कस्टमर के लिए इनवाइस जनरेट करने के लिए तब वो एरर मैसेज आएगा ये सभी कॉमन एरर है तो सारा बिजी यूजर को तो पढ़ लिया तो पता चलेगा ठीक है तो अब हम देखेंगे क्यों आती है कब आती है मान लीजिए हम एक कैश कस्टमर के लिए बिल चढ़ा रहा हूं और हम एक जीएसटी नहीं है ना उनको बिल कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इनके पास जीएसटी नहीं है। ये अनरजिस्टर्ड कस्टमर है देखिए टाइप ऑफ डीलर है अनरजिस्टर्ड तो इनको हम बिल बना रहा है और इनवाइज कर रहे हैं ना तो आपको वो एर मैसेज मिलेगा क्वांटिटी दस है प्राइस हंड्रेड है ठीक है इनवाइसिंग रिक्वायर्ड है ना ये आप देख सकेगा कि इधर रेड में हाईलाइट हुआ है क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकता है अगर आप चेंज करने मतलब चेंज करने के लिए तो कोशिश करेंगे ना तो आपको एरर मैसेज दिखाएगा इनवाइसिंग कैन नॉट बी जनरेटेड फॉर बी टू सी ट्रांजेक्शन इसीलिए दिखाएगा क्योंकि ए कस्टमर बिलोंग्स टू दिस कस्टमर बिलोंग्स टू बी टू सी कस्टमर बी टू सी कैटेगरी इज इट क्लियर अब ये एरर मैसेज आप ट्रबल शूट मतलब इसका रीजन तो आपको पता मतलब समझ में आ गया है ना आइए हम आगे बढ़ेंगे अगले एरर अगला एरर हमारा है एज ई इनवाइस फॉर दिस वाउचर हैज बीन जनरेटेड इट इज रिकमेंडेड नॉट टू डिलीट दिस वाउचर डू यू वांट टू कंटिन्यू यस और नो ये मैसेज आपको डिस्प्ले होगा कब होगा आपने इनवॉइसिंग ऑलरेडी जनरेट किया है उसके बाद बिल को आप डिलीट करना जाएगा ना तब आएगा ठीक है वो बिल आप डिलीट करने जाएगा ना तब आएगा तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे आइए फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एग्जिस्टिंग बिल है इसके अगेनेस्ट ऑलरेडी इनवॉइसिंग जनरेटेड है हमने क्या किया मॉडिफाई में गया हमने मॉडिफाई में जाके इसको अब डिलीट करनी है तो इस तरीके से पॉपअप मिलेगा एज इनवॉइस फॉर दिस वाउचर जनरेटेड इट इज रिकमेंडेड नॉट टू डिलीट दिस वाउचर डू यू वांट टू कंटिन्यू बिजी में ऑप्शनल रखा हुआ है यस और नो अगर कस्टमर ने यस कर दिया तो डिलीट हो जाएगा इनवाइसिंग e जनरेट हुआ है फिर भी डिलीट होगा अगर वो नो किएगा ना तो डिलीट नहीं होगा लेकिन हम सॉफ्टवेयर में तो डिस्प्ले तो करेंगे लेकिन कस्टमर को तो पता चलना ना इस इनवाइस पे इनवाइसिंग जनरेट हुआ है करके इस कारण से हमने उसको डिस्प्ले कर रहा है बाकी तो ऑप्शन आपका है यूजर का है वो करना है नहीं करना है वो आप कर सकता है आपके हिसाब से ठीक है अब मैंने यस yes किया तो डिलीट हो गया इसका रीजन आपको समझ में आ गया

इनवाइजिंग जनरेट करेगा ना सबसे पहले पार्टी मास्टर पे हम पिन कोड डालने के लिए प्रोविजन है दूसरा है ट्रांसपोर्टर डिटेल विंडो आएगा उस पे भी पिन कोड एंट्री करने के लिए प्रोविजन है है ना दोनों जगह पे हम ठीक से पिन कोड डालनी है अगर कुछ गलत डाल चुका है तो इस तरीके से आएगा देखेंगे आइए तो प्रैक्टिकली हम एक बार कर लिया तो हम अच्छे से उसको समझ लेंगे तो इसलिए हम एक एक प्रैक्टिकली देखेंगे ठीक है ये देखिए हम अभी एक जनरेट कर रही है इस पे ट्रांसपोर्टर विंडो आता है है ना ट्रांसपोर्टर विंडो इस वाले विंडो पे मैंने क्या किया इसको मैं रिमूव करके कुछ गलत गलत टाइप कर लिया फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ गलत डाल दिया ठीक है अब इसको मैं सेव करेंगे ई इन वॉइस जनरेट करेगा ना तब आपको वो वाले एरर मैसेज दिखाएगा इन वॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन ship details pin code सेवन टू फाइव एट डबल सिक्स डज नॉट एक्जिस्ट ये एक मैसेज दिखाएगा ठीक है क्लियर है ना ये भी नोट कर लीजिए सो ये एरर आपको रीजन पता पता होगा मतलब समझ में आ गई अगले एरर है ई इनवॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन पिन कोड 781337 ऑफ बायर डज नॉट बिलोंग टू हीज हर स्टेट अब मान लीजिए हम दिल्ली में रहने वाला है हम दिल्ली का पिन कोड दिल्ली का एक कस्टमर का मास्टर क्रिएट किया लेकिन पिन कोड हमने मुंबई का डाल दिया ये तो गलत है ना तो इसीलिए ए मैसेज आ जाएगा ठीक है ये किधर से वैलिडेट करेंगे मैं बताऊंगा आपको देखिए ये हमारा कस्टमर है ग्लोबल मार्केटिंग इनका पिन कोड है फाइव सिक्स डबल जीरो थ्री सिक्स इसको हम रिमूव कर लिया कुछ और डाल दिया कुछ और स्टेट का डाल दिया ठीक है अब इस कंडीशन पे ओ एरर मैसेज आपको दिखाएगा इसको सेव करेंगे इवेबिल नहीं चाहिए सॉरी विवेंट जेनरेट इन वॉइस कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन बायर डिटेल्स डॉट एग्जिस्ट ठीक है सो ये पिन कोड है ना गलत है तो कस्टमर मास्टर पे एर मैसेज आपको दिखाएगा कभी कभी ओ ए भी आ जाएगा बायर डज नॉट बिलोंग टू हीज और हर स्टेट ट्वेंटी नाइन लेकिन रीजन तो ये ही है कस्टमर मास्टर पे पिन कोड ठीक नहीं है ये सभी एरर है ना मेन पिन कोड के हिसाब से रहेगा एड्रेस के हिसाब से रहेगा और आपका डिस्टेंस का हिसाब से रहेगा जीएसटीएन नंबर के हिसाब से यूक्यूसी कोड एच कोड इसका बियॉन्ड आपको इसका रिगार्डिंग ही एरर होगा बाकी कोई नहीं है सबसे पहले हम ये वाला चीज है ना सबसे ध्यान रखनी है ठीक है आइए हम अगला एरर देखेंगे बिजी में वो है ईवे बिल का रिगार्डिंग वे बिल कु जनरेटेड रीजन द डिस्टेंस बिटवीन द फिन गीवन इज टू हाई बहुत टाइम हम ये एरर को बिजी में देख सकती है क्योंकि हमने एच एस एन को ठीक से डाला है जीएसटीएन नंबर ठीक से डाला है एड्रेस डाली है पिनकोड डाली है डिस्टेंस डाली है वेहीकल नंबर डाली है सब कुछ डाली है लेकिन ये एरर आ जाएगा तब क्या करनी है So, 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 बाकी डेटा सभी ठीक है लेकिन ये एरर आ रही है तो क्यों कुछ नहीं करनी है सॉल्यूशन बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है नोट कीजिए आप आनी है जनरेशन पे डिस्टेंस को जीरो लगानी है ये आपका यूनिट है प्राइस है इस वाली विंडो पे ईवेबल रिक्वायर्ड है ना इसको यस करनी है इवे बिल पे तो व्हीकल नंबर डिस्टेंस ये सभी मैंडेटरी होगा मैंडेटरी होती है। और आप इधर है ना डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए हमारा प, आ, हमारा सॉफ्टवेयर में एक यूटिलिटी है, चेक डिस्टेंस। तो अपने आप डिस्टेंस आ जाएगा देखिए है ना तो अगर ये डिस्टेंस भी ठीक है फिर भी वो जनरेट नहीं हो रहा है एरर दिख रही है तब हम क्या करनी है इसको जीरो करनी है सो so, सोल्यूशन वेरी सिंपल यू हैव टू प्रीरो वैल्यू हियर देन सॉफ्टवेयर अपने आप जनरेट कर लेंगे क्लियर है ना बहुत सिंपल सोल्यूशन है आज आइए हम अगले एरर के एर के बारे में जाएंगे तो ये एरर तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है डिस्टेंस टू हाई करके आए तो हम डिस्टेंस को जीरो करनी है तो अपने आप जनरेट हो जाएगा नेक्स्ट एरर है इनवैलिड डेटाफोड डॉक्यूमेंट नंबर कैन नॉट स्टार्ट विथ जीरो जीरो मतलब मान लीजिए आपने इनवाइस क्रिएट कर रहा है मैन्युअल नंबरिंग यूज करके सो मैन्युअल नंबरिंग पे सबसे पहले आप मैनुअली वैल्यू को इंसर्ट करनी पड़ता है ठीक है तब क्या होगा कभी कभी जीरो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा उसके बाद वन टू थ्री और इनवाइस नंबर वो आ जाएगा और अभी आप आपने आ, उसको जीरो वन टू थ्री करके आपने डाल दिया है लेकिन वो एरर दिखाएगा आपको क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर जीरो है ना तो इनवाइसिंग ईवे बिल पे आपको एरर दिखाएगा उसको आप एक बार हम देख लेंगे तो कैसे होती है करके ये हमारा एक ये मेरा सॉफ्टवेयर में और एक सीरीज है टेस्ट करके ये मैनुअल नंबरिंग सीरीज है देखिए इसमें वाउचर नंबर है ना मैन्युअली मैं टाइप करूंगा जीरो एट 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 तीन बार आठ डाल दिया नेक्स्ट पार्टी का नाम आइटम का नाम डाल के मैंने ई और इनवॉइस जनरेट कर लिया ठीक है तो इस तरीके से आपको एरर मिलेगा लेकिन एक अच्छे अच्छी बात यह है कि एरर को इग्नोर करके हम आगे बढ़ सकता है इनस तो जनरेट हो जाएगा इन वॉइसिंग जनरेशन पे क्या होगा ना बिजी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस जीरो वैल्यू को स्किप कर देंगे ऑटोमेटिकली हम कुछ नहीं करना है देख लेंगे कैसे होगा देखिए अब मैं व्यू एंड जनरेट करेंगे क्योंकि जीरो वैल्यू बिजी सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट का पोर्टल है ना वो डेटा नहीं लेंगे इसलिए बिजी ने क्या करेंगे वो जीरो वैल्यू को रिमूव करके अपलोड करेंगे ठीक है दिस इज दू ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर आइए अब हम जनरेट करेंगे इसको जनरेट कर लिया तो इसका पिन कोड मैंने गलत डाला है तो पहले मैंने चेंज किया था तो दोबारा मैं इसको चेंज कर लेंगे मेरे कस्टमर मास्टर पे और हमने एक बार वैलिडेट कर लेंगे ठीक है वैलिडेट कर लिया नहीं इसमें करना है टेस्ट पे जीरो नाइन 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 ग्लोबल मार्केटिंग एरर आ रही है लेकिन एरर को हम स्किप करेंगे आगे बढ़ेंगे जनरेट पे सो जनरेशन हो जाएगा ठीक है जनरेशन हो गया बीजी सॉफ्टवेयर अपने आप वैल्यू को ट्रिम करके जनरेट कर देंगे ठीक है सर अब आइए अगले एरर के बारे में हम देखेंगे ये एरर तो हो गया अगला एरर है इनवैलिड डेटा फोन शिफ्ट टू स्टेट कैन नॉट बी ब्लैंक ये एरर आपको मिलेगा तब मिलेगा कि एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन करेंगे ना हम अगर कोई दूसरे कंट्री को स्टॉक भेज रहा है एट दैट कंडीशन आपको ये एरर मिलेगा लेकिन उस पर एक पोर्ट कोड करके रहेगा पोर्ट कोड आप ठीक से डाला है तो नहीं प्रॉब्लम नहीं है अगर पोर्ट कोड आप नहीं डालेगा ना तब एरर मिलेगा पोर्ट कोड मतलब मैं दिखाऊंगा आपको देखिए ये हमारा जनरेशन है इनवॉइस जनरेशन एक पार्टी का नाम ले, ले, ले लेंगे एक्सपोर्ट करके अभी एक्सपोर्ट इनवाइस पे है ना हम सेल टाइप क्या लेना है आईजीएसटी मतलब आईजीएसटी एक्सपोर्ट लेना है ये वाला ठीक है तब क्या होगा आपको इस तरीके से एक, एक एक्सपोर्ट शिपिंग बिल डिटेल्स का विंडो मिलेगा इस पे आप पोर्ट का कोड डालनी है पोर्ट का कोड किधर मिलेगा पोर्ट का कोड तो गूगल पे मिलेगा गूगल पे सर्च करनी है आपने दिल्ली का पोर्ट कोड चाहिए कौन सा चाहिए सर्च कीजिए तो मिल जाएगा वो वाला पोर्ट कोड आप ये बॉक्स पे है ना सारा फिल करनी होगी पोर्ट कोड पोर्ट एड्रेस पोर्ट एड्रेस टू प्लेस पिन कोड सारा डिटेल्स आप इधर फिल करना होगी अगर वो पोर्ट कोड आप नहीं डालेगा ना तब वो एरर मैसेज आपको दिखाएगा याद ध्यान रखिए अपने पोर्ट कोड नहीं डाला है तब आएगा अदरवाइज नहीं आएगा ओके ये एरर आपको रीजन पता हुआ है मतलब समझ में आ गया सो so अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन एंड आंसर पे चैट कर लीजिए आइए हम अगले एरर को देखेंगे अगला एरर है सबसे कॉमन एरर है वो है इनवाइसिंग कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन यूनिट क्वांटिटी कोड इज नॉट पास्ड कोड यूनिक क्वांटिटी कोड सबसे पहले यूक्यूसी कोड बहुत इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी है रिटर्न e के लिए उसको हम ठीक से ध्यान से करनी है एंट्री करनी है और किधर आता है मैं आपको दिखाऊंगा देखिए सॉफ्टवेयर में मास्टर क्रिएशन है ना मास्टर क्रिएशन पे गया तो इधर यूनिट करके है यूनिट पे बहुत सारे यूनिट है बैग्स पीसेस बॉक्स एक्सेट्रा सारा यूनिट के लिए एक एक यूक्यूसी कोड है देखिए जीएसटी ई रिटर्न के लिए एक तरह का यूक्यूसी कोड है ई वे बिल के लिए अलग है और ई इनवाइसिंग एंड ई वे बिल के लिए दोनों सेम होता है लेकिन ई e रिटर्न के लिए कुछ डिफरेंस रहेगा डी ओ हाइफन डी ओ -E जेड ई एन एस इस तरीके से रहेगा ठीक है ये कोड है ना हम डाल के रखनी है अदरवाइज आपको वो वाली मैसेज मिल जाएगा क्लियर अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली वो एरर कैसे आता है करके ग्लोबल मार्केटिंग अब मैं एक प्रोडक्ट ले लिया मेडिमिक्स करके ठीक है इसका यूनिट है ना इसको मैं एक बार मॉडिफाई करूंगा देखिए इसको मैं रिमूव कर देंगे इधर से ठीक है उसको मैं सेव कर दिया सेव करके दोबारा मैं प्रोडक्ट लेंगे क्वांटिटी डाल देंगे इनवाइसिंग जनरेशन करेंगे चेक पॉसिबल एरर एरर पे तो आपको पता चलेगा कि किस पे एरर है तो इस विंडो पे पता चलेगा लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ेगा ना तो आपको अलो नहीं करेगा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर so आपको दिखाएगा इनवाइस कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन एच एस एन थ्री फोर जीरो वन डज नॉट ये तो कुछ दूसरा एरर है ये नहीं है अब मैं इसको और एक बार एंट्री करके देख लेंगे ग्लोबल मार्केटिंग मेडिमिक्स ऑल टाइम इसको मैं ये फाइव परसेंट करेंगे इधर से ठीक है ओके okay. ये थ्री फोर जीरो वन डज नॉट बिलोंग्स टू सर ये हमारा अगला एरर है ये नहीं है सो so अभी ये एरर इसलिए आता है अगर आपने यूक्यूसी कोड गलत से एंट्री किया है ठीक है हम एक और एक एंट्री चढ़ा के देखेंगे नया वाला ग्लोबल मार्केटिंग इस पे हम ले लेंगे बॉक्स डस्टलेस चॉक इसको हम ले लेंगे बैग दस बैग एफ फोर ठीक है अब देखिए इस तरीके से एरर आएगा रीजन ऑफ दिस एर इट वॉज क्लियर टू यू आप सभी को ये एरर किस लिए आता है वो तो क्लियर हो गया ये तो कॉमन एरर है सो so, हमसे भी आप अच्छे जानते हो क्योंकि मार्केट में तो आप बिलिंग करेंगे करने के टाइम पे बहुत सारे लोग इस एरर को देखा होगा तो आगे बढ़ेंगे तो अगले एरर के रिलेटेड अगला एरर आपको एरर मिलेगा आइए हम एक बार प्रैक्टिकली देखेंगे मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट है ठीक है इस प्रोडक्ट पे मैंने क्या आ, एंट्री किया है थ्री फोर जीरो वन इसको मैंने रिमूव कर लिया और कुछ और डाल दिया ये हमारा सोप का प्रोडक्ट है संतूर सोप है तो इसको हम गलत से को डाल के इन वॉइस जनरेट करेगा ना तब आपको उस वाली मैसेज मे दिखाएगा एक ग्लोबल मार्केटिंग संतूर इसका यूनिट पे पीसेस है इधर यूक्यूसी को डाल देंगे पीसेस पीसेस डाल दिया क्वांटिटी व्यू एंड जनरेट इन कुड नॉट बी जनरेटेड रीजन एचएसएन कोड इज इनवैलिड ठीक है ये एरर मैसेज आपको मिलेगा तो एरर अब मैं एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखा रहा मतलब दिख रहा हूं प्रैक्टिकली ऐसे इसलिए कि आपका माइंड पे ये मतलब सेव होनी है मतलब उसको आप प्रैक्टिकली एक बार देख लिया तो आपको क्लियर हो जाएगा इसलिए मैं आपको आपको बार बार जनरेट करके ही दिखा रहा हूं नहीं तो आप मैं आपको एक्सप्लेन करता था ठीक है ये एरर आपका क्लियर हो गई आगे बढ़ेंगे अगला एरर है जनरेटेड रीजन द एच एस एन फोर फोर टू जीरो डज नॉट बिलोंग टू सर्विस ठीक है हम सेल कर रहा है गुड्स को सेल्स कर रहा है लेकिन सर्विस नहीं कर रहे है लेकिन हमने क्या किया है टैक्स कैटेगरी है ना उसपे सर्विस करके कैटेगरी लिया है टाइप लिया है तब आपको ए आर आर मैसेज दिखेगा तो सबसे पहले टैक्स कैटेगरी मास्टर किस किधर आएगा मास्टर पे टैक्स कैटेगरी मास्टर इस पे टैक्स कैटेगरी मास्टर आएगा है ना इतना सारा टैक्स कैटेगरी डिफॉल्टिजी पे अवेलेबल है मान लीजिए हमने एक नया क्रिएट करना है तो एड पे जाके क्रिएट कर सकते हैं अगर आप ज्वेलरी का बात करिए ज्वेलरी पे थ्री परसेंट जीएसटी कैटेगरी है वो इसमें नहीं है बाय डिफॉल्ट वो हम मैन्युअली क्रिएट करनी है अब देखिए इधर हम एक थ्री फाइव परसेंट का मैन्युअली क्रिएट किया है करने के टाइम पे मैंने क्या किया गलत किया गुड्स के बजाय मैंने सर्विस ले लिया मिस्टेक है ना तो सर्विस ले लिया तब क्या होगा ये वाली टैक्स टाइप हम मास्टर में अब देखिए पे हमने एरर देखा था ना क्यों एरर आया था उधर क्योंकि ये वाली है ना फाइव परसेंट हमने सेलेक्ट किया था तो ये पाइव परसेंट जीएसटी कैटेगरी के लिए मैंने टाइप लिया है services. ये वाली सर्विसेज लिया है तो इसी कारण से हमको वो एरर मैसेज आ जाएगा आइए हम एक प्रैक्टिकली एक पोस्ट करके देखेंगे ई इनवाइसिंग जनरेट करके ही देखेंगे मेडिमिक्स प्रोडक्ट है दस क्वांटिटी है जनरेट ई इनवाइसिंग ऑटोमेटिक सो देखिए द एचएसएन थ्री फोर जीरो वन डज नॉट बिलोंग्स टू सर्विस ठीक है इसको हम ध्यान रखनी है एरर किस लिए आता है अगर हम टाइप में सर्विस ले आते हैं ना तब आएगा ए रहा कॉमन एरर्स दैट इज फाउंड इन बिजी अगर आप बिजी में इनवॉइसिंग वॉइसिंग और इवेबिल करने के टाइम पे और भी नया नया एरर आपको मिलती है तो हम उसको स्टडी करेंगे उसके रिगार्डिंग हम अगले वेबिनार भी कंडक्ट करेंगे ठीक है ये हमारा एक स्मॉल इंफॉर्मेशन सेशन है मतलब इंफॉर्मेटिव सेशन है हमारा बिजी यूजर खुद ट्रबल शूट करने हैं बिल का प्रॉब्लम्स करके हम इसको अरेंज किया है तो आने वाले समय पे अगर और भी एरर्स है तो हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे ठीक है अगर इसको लेके आपको कोई भी मन में कोई भी क्वेरी है डाउट है तो आप हमसे पूछ सकती है क्वेश्चन एंड आंसर करके है उस पर टाइप करके लिखिए तो मैंने आपको जवाब दूंगा ओके okay. एनीवे anyway, अगर आपको है ना इस ई वे बिल ई का रिलेटेड और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है बिज़ी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड करके उस पर आप कॉल कर उस पर आप एक्सप्लोर करके वीडियोस को चेक करके और भी अच्छा इंफॉर्मेशन आप लर्न कर सकता है अलावा हमारा बिजी का कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन इस नंबर पे मिल जाएगा एट टू एट टू एट टू एट टू एट टू ये कस्टमर केयर नंबर और हमारा ईमेल सपोर्ट भी है सपोर्ट एट द रेट बीजी डॉट इन इस पे आप क्वेरी को लिख के हमारे तरफ से सॉल्यूशन ले सकता है ठीक है सपोर्ट ले सकता है So, हमारा से, सेशन वाइंड अप कर, करेंगे तो अगले वेबिनार पे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक को लेके हम मिलते रहेंगे तो नाउ टाइम टू से गुड बाय सो हैव है नाइस डे सी यू थैंक यू सो मच